सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। शाद का अर्थ होता दुख, दुख भी एक योग है। संसार का दुख संत से मिल करके योग बन जाता है। मतलब कोई दुख आया, माले पत्नी ने पीट दिया, संतान मर गई, पत्नी मर गई, घर से निकाल दिया धक्का दे, कैसा कोई दुख आया, सब कुछ लूट गए, कुछ नहीं रहा घर में, चोर डाकू, ऐसा कुछ भी अनहोनी घटना घट गई, दुख इतना इतना दुख। और ऐसी स्थिति में कहीं संत मिल जाए, वो दुख भी उसके लिए योग बन जाता है। तो दुख भी एक योग है। इसलिए तो गीता में कहा कि बार बार साधक को चाहिए कि वो दुखों की याद करे। दुख दोषानुदर्शनम, दुखों की याद करे। यदि किसी के पास दुख नहीं है तो चार दुखों के तो याद कर ही ले, वो तो सबके पास है चार दुख। कौन कौन से? जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम। जन्म होगा दोबारा, फिर मुसीबत पड़ेगी दोबारा, होगा जन्म भक्ति नहीं करोगे तो, जन्म होगा दोबारा इस दुनिया में, जन्म मृत्यु भी होगी, वो तो अभी की बार होगी, मौत बच नहीं सकते, बुढ़ापा भी आएगा बच नहीं सकते, रोग भी आएंगे बच नहीं सकते। चाहे तुम कितने भी साधन संपन्न सुख वैभव में क्यों ना पले हो, इन चारों से बच नहीं सकते। बुढ़ापा भी आएगा, रोग भी आएंगे, मौत भी आएगी, जन्म भी होगा, और जब जन्म होगा फिर दोबारा से बुढ़ापा आएगा, रोग आएगा, फिर मौत आएगी, फिर जन्म होगा, ये बार बार। सुखी से सुखी व्यक्ति के पास भी ये चार दुख तो है ही, और इन चारों दुखों की याद करो, और इनसे छूटने का उपाय संतों के पास है। क्या? कि जन्म ही नहीं होगा तो फिर शरीर ही नहीं होगा, शरीर नहीं होगा तो बुढ़ापा नहीं होगा, रोग नहीं होगा, मौत भी नहीं होगी। और ऐसे शरीर किन को मिलते हैं जहां जन्म मृत्यु जरा व्याधि नहीं, ऐसे शरीर को बोलते हैं भाव देह, और ये प्राप्त होंगे भगवत धाम में जाकर, और वहां का साधन भाव देह प्राप्ति होगी संतों के अनुसार साधन करके आगे बढ़ने से। तत्परः संयत इंद्रिय, श्रद्धावान लभते ज्ञानम, श्रद्धा करो, आदो श्रद्धा ततो साधु संग, संत जो कहते हैं उस बात को विश्वास कीजिए, तुम्हारे भले के लिए कहते हैं। जो भी संत, तुम्हारे माता पिता तो बल्कि इसलिए तुमको संभालते हैं, उपदेश करते हैं, बुढ़ापे में काम आएगा, इससे हमारा नाम होगा, इससे हमारी वंश परंपरा चलेगी। तो माता पिता तुम्हारा थोड़ा बहुत भला करते हैं, उसमें तो स्वार्थ है, लेकिन संतों को तो कोई स्वार्थ ही नहीं। अरे तुमसे संतों का नाम नहीं होगा, बल्कि संतों से जुड़ने से तुम्हारा नाम होगा। तुमसे संतों को लाभ नहीं होगा, बल्कि संतों के मिलने से तुमको लौकिक पारलौकिक अलौकिक लाभ होगा। संतों से मिलोगे तो दान पुण्य भी करोगे, सेवा भी करोगे, इससे क्या होगा, तुम्हारा परलोक भी बनेगा साथ साथ, और संत भजन भी कराएंगे, तुम्हारा आलोक भी बनेगा, और यहां भी दुख में संत तुम्हारा साथ देंगे, तुम्हारे घर में लड़ाई झगड़ा तो संत मिटा देंगे, दुख तकलीफ में संत तुम्हारा साथ देंगे। तो संत तुमको यहां लौकिक सुख भी देंगे, पारलौकिक सुख भी देंगे, और अलौकिक भगवत प्राप्ति का सुख भी देंगे। तो तुमको तो संतों से मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन संतों को तुमसे कुछ नहीं मिलने वाला, और तुमको संतों को तुमसे कुछ नहीं मिलेगा, बल्कि तुम लोग तो संतों के लिए सिर दर्द हो, मुसीबत हो। सच्ची कह रहा हूं, अनुभव की बात कह रहा हूं। हमको तो परेशानी होती, हम तो अपने बंद कमरे में ही रहना चाहते हैं, लेकिन प्रभु की सेवा सबके भीतर, भगवान ये मान करके सबकी सेवा करनी है। संत तो जब आते हैं तो देने के लिए आते हैं, लेने के लिए नहीं, संतों को चाहिए नहीं, क्योंकि ना उनके माता पिता, ना पत्नी, ना बच्चे, कुछ भी तो नहीं, किसके लिए क्या करेंगे, तो उनका स्वार्थ का तो संबंध हो नहीं सकता, बस रोटी खानी और समाज सेवा कर रहे हैं, अपना भी कल्याण, न जाने कितनों का कल्याण का रास्ता प्रशस्त कर रहे हैं। संत तो दाता है, वो देने के लिए ही आते हैं। गोरक्षनाथ पूरे भारत में भ्रमण किया, किसके लिए किया, उनके बाल बच्चे भूखे मरे तो जो कमाने के लिए देश परदेश निकले,
पैदल घूम रहे, रास्ते में कहां कोई सुविधा होती, भिक्षा मांग करके गुजारा कर रहे हैं संत गोरक्षनाथ, फिर भी सबका भला करते पूरे भारत में भ्रमण कर रहे हैं। ये संतों का जीवन है। संत बड़े परमार्थी, शीतल जिनके अंग, तपन बुझावे और की देकर अपना संग। तो संतों का जीवन तो दूसरों के लिए हुआ करता है, जैसे वृक्षों का जीवन वृक्ष के लिए नहीं दूसरों के लिए, नदियों का जीवन स्वयं के लिए नहीं दूसरों के लिए। नदियां ना पीवे कभी अपना जल और वृक्ष ना खावे कभी अपना फल, वो तो दूसरों के लिए जीते हैं। इसी प्रकार संतों का जीवन परमार्थ के लिए होता है, दूसरों के लिए होता है। इनका अपना कुछ बिगड़ा नहीं है जो संवारने के लिए कुछ करेंगे, संतों का अपना कुछ बिगड़ा नहीं है जो संवारेंगे, बिगड़ा नहीं, क्योंकि जो चीजें बिगड़ने की हैं वो तो छोड़ करके बाबा जी बन गए। जगत उद्धार के लिए एक कार्यरत रहते हैं महापुरुष।